वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का अभियान शुरू हो चुका है, जहां पर पहले मुकाबला जो था टीम इंडिया का इंग्लैंड वाला, वो तो पूरी तरीके से वॉश आउट रहा वार्म अप मुकाबला, लेकिन दूसरे मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया। और कहीं ना कहीं जो पहला मुकाबला होने वाला है, जो मेन मुकाबला होगा इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, उसके पहले ये आखिरी मुकाबला, यानी कि यही मुकाबला जो आपको एक तैयारी के रूप में मिलेगा, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको अपने प्लेइंग 11 के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने, आपको एक दो प्लेयर्स ट्राई करने हैं, आप चाहते हैं कि एक दो प्लेयर्स की फॉर्म वापस आ जाए, फिर आप जो आपको ट्राई करना है वो सब आप इस मुकाबले के अंदर कर सकते हैं। यानी कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड जो मुकाबला है मंगलवार को, एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट मुकाबले से पहले एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस टीम के अंदर नहीं होगा, इस प्लेइंग 11 के अंदर नहीं होगा। कौन सा है वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अगर कोई है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट 47-48 शतक, इंडिया एडवांटेज, तो सब चीज पॉजिटिव में है विराट कोहली की। और विराट कोहली अगर एक भी मुकाबला मिस करते हैं तो टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर खबरें सामने आ रही है कि टीम इंडिया ने जब एक साथ यहाँ पर फ्लाइट भरी, यानी कि जो उनका इकट्ठा एक साथ एकजुट होने वाला जो दिन था, उसके साथ विराट कोहली का नाम नहीं था। विराट कोहली ने टीम के साथ ट्रेवल नहीं करा, विराट कोहली अपनी एक पर्सनल लीव लेके वापस अपने घर मुंबई लौटे, और मुंबई के बाद अब जाके अपना अलग से त्रिवेंड्रम के अंदर अपना जुड़ेंगे टीम के साथ। और उससे पहले जो आपको पता है कि जो टीम जो एक साथ आई थी वहां पर विराट कोहली का नाम नहीं था, विराट कोहली ने अपनी पर्सनल एक दिन के लिए छुट्टी मांगी थी, और छुट्टी मांग के वो वापस कहां गए थे, मुंबई। यानी कि अब अकेले अलग से विराट कोहली टीम के साथ सोमवार को जुड़ेंगे और मंगलवार को मुकाबला खेलेंगे। तो ये है पूरी कहानी। और यहां पर जो रीजंस लगाए जा रहे हैं कि टीम इंडिया के साथ क्यों नहीं जुड़े विराट कोहली, आपको पता है कि थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि जहां पर अनुष्का शर्मा जो कि विराट कोहली की वाइफ है, उनको प्रेग्नेंट बताया जा रहा था कि विराट कोहली दूसरी बार पिता बनने वाले। तो यही इस बार भी रीजंस लगाए जा रहे हैं कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरी बार अपनी जिंदगी के अंदर पिता बन सकते हैं। आपको पता होगा जसप्रीत बुमराह जो अभी हाल ही दिनों में अभी पिता बने, उन्होंने भी एशिया कप के आसपास लगातार ऐसी छुट्टियां ली थी, और फाइनल से पहले वो चले गए थे, बांग्लादेश वाला मुकाबला उन्होंने मिस किया था। और ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है विराट कोहली के साथ भी, कि विराट कोहली जो वार्म अप, यानी कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स नहीं है टीम इंडिया के लिए, आप कह सकते हैं जहां पर आप ट्राई बेस पे, जहां पर आप बाकी सारे खिलाड़ी टेस्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है विराट कोहली ने भी उस चीज को थोड़ा सा लीनियंटली लिया हो, और विराट कोहली अपनी इम्पोर्टेंस को समझते हुए विराट कोहली वापस लौट गए हैं अपने घर मुंबई, और वहाँ पर अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने समय बिताया। तो यहाँ पर यही खबरें लगाई जा रही है कि विराट कोहली दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। अब आप अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली दूसरी बार पिता बनने वाला है, फिर और कोई वजह है जो विराट कोहली अपने घर लौटे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टीम इंडिया का पहला मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस मुकाबले के अंदर क्या होगा आप ये चीज़ भी हमें बताओ, और इंडिया पाकिस्तान के अंदर कौन सा बल्लेबाज होगा जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा। फिलहाल इस वीडियो में